हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ एक कार्डबोर्ड से वॉल हैंगिंग। आपने देख ली होगी शुरू में, मैं आपको उसका यूज़ भी बताऊंगी। उसके लिए आपको एक कार्डबोर्ड से, यहाँ पे मैं थोड़ा प्लेन बनाने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद मैंने कट कर लिया है। उसके बाद मैंने ग्लिटर शीट ली, तो उससे मैंने कट कर लिया ऐसे एक सर्कल। उसके बाद मैंने ऐसी शीट से कट की, मैंने शीट से कट कर लिया। उसके बाद मैं ऐसे मोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसे नहीं मोड़ना है, आपको उसका ऐसे कट करना है, छोटे 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 पार्ट्स में इसको कट कर लेना है। उसके बाद आपको छोटे छोटे से आपको इसके पार्ट्स कट कर लेना है। उसके बाद हम इसमें फेविकॉल लगा देंगे, तो अच्छे से लगा देते हैं क्योंकि अच्छे से चिपकाना है ना, तो जल्दी जल्दी चिपका देते हैं। मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ी ग्लू की बचत कर लूँ, लेकिन मैं बचत नहीं कर पाई क्योंकि इससे अच्छे से चिपका ही नहीं। अगर आप अच्छे से चिपकाना चाहते हो तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में चिपकाया, आप ऐसे ही चिपकाना प्लीज़। उसके बाद ये बहुत अच्छी तरह से रैप हो चुका है। उसके बाद मैंने आगे पीछे दोनों को सजा दिया है, उसके बाद ये अच्छे से लग गया है। उसके बाद मैंने इस पर ग्लू लगा दी। जलेबी भी बनाने का प्रयास कर रही थी, ऐसे लगा के बहुत सुंदर लग रहा है। ये हो चुका है, तो अब मैं एक बहुत बड़ा सा ले लेती हूँ, बहुत बड़ा। मुझे इसका साइज़ नहीं पता, लेकिन आप ले सकते हैं जितना बड़ा चाहें आपको बनाना है। शीट से इसके बाद मैंने इसको कवर कर लिया। उसके बाद मैंने एक ग्लिटर शीट ली क्योंकि अंदर से मुझे ऐसे अच्छा लगता है, तो मैंने इसके 3 पार्ट्स कट कर लिए। उसके बाद मैंने एक सेमी सर्कल लिया। उसके बाद मैंने उसको येलो शीट से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, तो ड्रॉ आने के बाद मैंने कट कर लिया है और इसके बाद ये कट हो चुका है। उसके बाद मैंने आपको चोटी बनानी, तो अगर नहीं आती तो कमेंट में बताना, अगर चोटी बनानी नहीं आती तो मैं वीडियो ज़रूर डालूँगी। उसके बाद ये चोटी बना ली थी मैंने, छोटी छोटी ऊन की थ्रेड की, आप समझ जाना। उसके बाद मैं बटरफ्लाइज से मैंने कट कर ली है, और उसके बाद मैंने बहुत सारी कट कर ली है। उसके बाद जो सेमी सर्कल था उसका हम दिखा देते हैं कि मैंने सारा सामान, उसके बाद सेमी जैसे कि वीडियो में हमने पेस्ट किया है ऐसे ही करना है। उसके बाद इस सेमी सर्कल को उठाना है, लेकिन अभी सेमी सर्कल का कुछ नहीं करना है। उसके बाद सेमी सर्कल का तो कुछ नहीं करना, मैंने आपको बता दिया था। तो मैंने जो आपने चोटी बनाई थी ना, हाँ वो ही यहाँ पर काम आएगी। इसको इसके अंदर लगा देना, ये बहुत लंबा लग रहा था इसलिए मैंने इसको छोटा कर लिया है। उसके बाद ये ऐसे तो बहुत सिंपल लग रहा था और बोरिंग भी, तो मैं 3 थ्रेड लगा दिए हैं। और उसके बाद मैंने इस पर कुछ बटरफ्लाइज लगा दिए जो मैंने काटी थी। बटरफ्लाई कट होने के बाद उस पर मैंने ग्लू लगा दी और अच्छे से इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट ऐसे नहीं करना, इसके पीछे भी एक लगानी है, तभी तो सुंदर लगेगी। उसके बाद मैं इसके पीछे भी लगा देती हूँ। ये बटरफ्लाइज कितनी सुंदर लग रही है ना, मैंने ऐसे इस पर सारी लगा दी हैं। और ये ऐसा लगने के बाद आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद मैंने 3 स्टार्स कट कर लिए बीच और साइड वाले गोल्डन कलर से। ब्लू वाला अच्छा लग रहा है मुझे, तो आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने इस पर सेमी सर्कल लगा दिया है, अच्छे से ग्लू से लगा।